गणतंत्र दिवस से पहले दिशा और निकिता ने रची गहरी साजिश। धालीवाल के साथ वर्चुअल मीटिंग। टूलकिट मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक दिशा ने ही किसान आंदोलन से जुड़ी टूलकिट को एडिट किया था और उसे थनबर्ग को भेजा था, जिसके लिए उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था। साथ ही वह ड्राफ्ट तैयार करने वालों के साथ जुड़कर भी काम कर रही थी। यही नहीं, दिशा रवि फ्राइडे फॉर फ्यूचर नाम का एक ट्विटर हैंडल भी चलाती हैं। सूत्रों के मुताबिक दिशा निकिता ने जूम ऐप पर खालिस्तानी समर्थक और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के फाउंडर एमओ धालीवाल के साथ मीटिंग की थी। ये मीटिंग 26 जनवरी को हिंसा और अराजकता फैलाने के मकसद से की गई थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार दिशा रवि 5 दिन की दिल्ली पुलिस की विशेष सेल की हिरासत में है। उसने चालाकी करते हुए अपने फोन के डाटा को भी डिलीट कर दिया था, जिसे रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। दिशा के खिलाफ राजद्रोह के अलावा आईपीसी की धारा 124A के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। टूलकिट की जांच में ये बात सामने आई है कि खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के सहयोग से दिशा समेत कई लोगों ने खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा खड़ा करने और भारत सरकार को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अटैक ऑन डेमोक्रेसी का राग अलापने वाले छाती पीटने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल और शशि थरूर समेत कांग्रेस वामपंथी वर्ग और तमाम एक्टिविस्ट और मोमबत्ती गैंग दिशा की रिहाई की मांग करने लगे हैं। टूलकिट को भारत और उसके वैध रूप से अधिनियमित कानूनों को बदनाम करने के लिए एक ठोस वैश्विक साजिश अब बेनकाब हो चुकी है। टूलकिट को लेकर दिल्ली पुलिस को लगातार नए नए सुराग मिल रहे हैं, जिससे किसान आंदोलन को भड़काने और देश के खिलाफ साजिश रचने वाले चेहरे बेनकाब होने लगे हैं।